स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, ओ मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। रहा दुनिया के ही जंजाल में, फिर भी तू करता रहा अपनी कृपा हर हाल में। मैं अकिंचन दास तेरा, तू मेरा भगवान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो, साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो, साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। कभी कभी नींद में भी जब आप पर हमला होता है उस समय आप फौरन अपने इष्ट को पुकारते हैं, साहिब को पुकारते हैं। इसका मतलब है आप चाहे किसी भी अवस्था में पहुंच जाएंगे, आपको भ्रमांत नहीं किया जा पाएगा। जैसे लोहा पारस का संपर्क पाकर के स्वर्ण बन गया, अब उसे कभी भी जंग नहीं लगेगी। सोने में की विशेषता है, सोना इतना महंगा धातु इसलिए है कि उसमें जंग नहीं लगती है, पुराना नहीं होता है। आपका कॉन्शियंस, आपका पेशेंस, आपकी सुरती चेतन रहेगी, बाकी मन और माया आपके ध्यान को ही घुमाते हैं, इसलिए जन्म जन्मांतर की बातें याद नहीं रहती हैं आपको। आओ एक वृत्तांत बताता हूं। एक बार एक ब्राह्मण ने घोर तपस्या की विष्णु जी की, ये संवाद योगावशिष्ठ महारामायण योग वशिष्ठ में। विष्णु जी ने उनसे कहा, भाई हे विप्र, मांगो क्या चाहते हो। उसने कहा, मुझे अपनी माया दिखाओ। बोला, छोड़ो माया नहीं देखने की कोशिश करो तो ठीक है। बोला, नहीं मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। बोला, तो ऐसा करो पानी में डुबकी लगाओ। नदी में ब्राह्मण ने डुबकी लगाई, एक मिनट बाद निकला बाहर। बोला, क्या देखा। बोला, ये तो एक स्वप्न देखा। बोला, पहले ये बताओ तुमने क्या देखा, ये स्वप्न नहीं था। बोला, भगवान मैंने देखा मैं घोड़े पर बैठ करके जंगल में जा रहा था, घोड़ा मेरा मुंह जोर हो गया, मुझे खींच करके विराट जंगल में ले गया, मैं अपना रास्ता भटक गया, जंगल में भटकते घोड़े ने मुझे नीचे फेंक दिया, चला गया। जंगल में भटकते भटकते मुझे बड़ी भूख लगी।
मुझे इतनी प्यास लगी, मुझे कहीं जल नहीं मिल रहा था, मेरे प्राण निकल रहे थे, इतनी भूख लगी, शरीर कांपने लग गया अन्न के अभाव से। मैं 2-3 दिन उस जंगल में भोजन और जल की तलाश में भटकता रहा। इतने में एक चंडालिन आई। चंडाल एक जात है, चंडाल लोग शमशान घाट में मुर्दों को जलाते हैं, उनको चंडाल कहते हैं। कल्लू चंडाल जिसने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था, बोली में राजा हरिश्चंद्र से वो चंडाल फिर शमशान घाट में मुर्दे जलाने का काम दिया, वो चंडाल। चंडाल उसको कहते हैं जो लाशों को जलाता है, जल्लाद उसको कहते हैं जो फांसी चढ़वाता है, यानी फांसी पर लटकाता है। तो वो चंडाल एक चंडालिन सर पर टोकरी रख करके उसमें भोजन लेके जा रही थी। बोला हे प्रभु, मैंने उससे कहा हे देवी मेरे प्राण जा रहे हैं, कृपा करके मुझे कुछ भोजन दो, जल दो। चंडालिन ने कहा हे विप्र, वेशभूषा से तुम ब्राह्मण लगते हो, मैं चंडालिन हूं, मेरे हाथ का खा लोगे? प्राणों की रक्षा के लिए मैंने चंडालिन से कहा हाँ, मैं बड़ा भूखा हूँ, मेरे प्राण जा रहे हैं, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मैं खा लूँगा, तुम्हारे हाथ का भी खा लूँगा। चंडालिन ने कहा तो हे ब्राह्मण, मेरी इस टोकरी में जो भोजन है इसमें गोमांस है, गऊ का मांस है और रोटी है। ब्राह्मण ने बोला हे प्रभु, मैं भूख से इतना व्यथित था, उससे मैंने कहा जो कुछ भी है दो, मैं खाऊंगा प्राण रक्षा के लिए। मैंने एक बार अखबार में एक चीज़ पढ़ी थी, साइबेरिया में एक प्लेन क्रैश हो गया, रसिया का, मिल ही नहीं रहा था, बहुत तलाश की गई, जहाज नहीं मिला। 9 महीने बाद एक आदमी उसी जहाज में था, बच गया, वो आया, 9 महीने बाद निकल आया। जब उनसे पूछा गया तुम 9 महीने जिंदा कैसे रहे, उसने बोला पहले मैंने सभी यात्री, प्लेन क्रैश हुआ तो यात्रियों के पास जो भोजन छाजन की चीज़ें थी, बर्फीला एरिया था, मैंने पहले वो खाई प्राण रक्षा के लिए। जब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, मुझे कहीं भी कुछ जब नहीं मिला, फिर मैंने इंसान का मांस खाना शुरू किया। और बर्फ़ में ख़राब नहीं होता है मांस, आदमी नहीं सड़ता है जल्दी। बोला फिर मैंने इंसानों को खाना शुरू किया और मैं इंसान का मांस खाता रहा प्राण रक्षा के लिए। तो इस तरह ब्राह्मण ने कहा हे प्रभु, चंडालिन ने एक शर्त रखी कि हे ब्राह्मण, मैं एक शर्त पर यह भोजन अपने पिता के लिए ले जा रही हूं, तुम्हें आधा दे सकती हूं, एक शर्त पर तुम मुझसे शादी करो। ब्राह्मण ने कहा हे प्रभु, प्राणों की रक्षा के कारण मैंने उस चंडालिन की यह शर्त भी मंजूर की, आधा भोजन मैं खाया, मेरे प्राण आए, अन्न में प्राण है। बोला वो मुझे जंगल में दूर ले गई, खेत थी जहाँ पर उसकी जमीन थी, उसका पिता हल चला रहा था। उसने कहा हे पुत्री ये किसको ले आए हो? बोला हे पिता, ये ब्राह्मण, इसने मुझसे विवाह कर लिया है, ये मेरा पति है, ऐसे ऐसे बात थी। बोला ठीक। वो चंडालिन के साथ रहने लगा, 2-3 बच्चे भी हो गए। एक बार अकाल पड़ गया, तो जब अकाल पड़ जाता है लोग भोजन की तलाश में शहर की तरफ चलते हैं, तो चंडालिन से 2-3 बच्चे हुए उस ब्राह्मण के। वो त्रहा त्रहा मच गई भोजन के बिना, अपने बच्चों को भूखा व्यथित देख करके ब्राह्मण ने कहा चंडालिन से, अपनी पत्नी से, मैं शहर में जाता हूँ, कुछ कमा कर आऊँगा, बच्चों के लिए कुछ इंतजाम करें। मैं निकल पड़ा, संयोगवश राज्य का राजा मर चुका था। राजा ने वसीयत की थी उत्तर दिशा से जो पहले
प्रवेश लेगा शहर में सुबह, उसी को यहाँ का राजा बना जाए। संयोगवश वो ब्राह्मण ही पहले पहुँचा, उसको सैनिकों ने पकड़ा। उसने कहा भाई मैंने कोई दोष किया नहीं है, क्यों पकड़ा? बोला आप राज दरबार चलो, वहाँ बताएंगे। मंत्रीगण वहाँ थे, मंत्रियों ने कहा देखो हे ब्राह्मण, इस राज्य के राजा का की कोई संतान नहीं थी, उसने कहा था मेरे मरने के बाद राजा उसी को बनाया जाए जो उत्तर दिशा से प्रथम शहर में प्रवेश करे, शहर का नागरिक न हो। तो पहले आप आए, आइए ये राज्य आपका है, हम आपका राज्य अभिषेक करेंगे। वो ब्राह्मण राजा बन गया, वहाँ राज्य करने लगा। वो चंडालिन को भी भूल गया, अपने बच्चों को भी भूल गया, राज्य करने लगा। ऐसे कुछ दिन गुजर गए। संयोगवश एक दिन अपने चौवारे पर खड़े थे राजा, नीचे सड़क से चंडालिन उसकी जो पत्नी थी, दोनों तीनों बच्चों को लेके जा रही थी, ढूंढने निकली थी। बच्चों ने पहचान लिया वो पापा खड़ा है, सब दौड़ करके लिपट गए पापा पापा। तो राज दरबार के लोगों ने देखा हो ये तो चंडालिन है, ये तो चंडाल है। सबने कहा धिक्कार है तुझ पर, चंडाल होकर तुमने ब्राह्मणों पर क्षत्रियों पर शासन किया, धिक्कार धिक्कार, तुमने बताया नहीं। बोला हे भगवान मुझे एक ग्लानी हुई, मैंने आत्महत्या की, कमरा बंद करके अपने को जला डाला और इतने में आंख खुल गई है। तो ये तो आपने मुझे सपना दिखाया, कौन सी माया दिखाई? बोला नहीं विप्र, तुम जाकर के उन उन जगहों पर जा सकते हो, जाकर के देखा हो ये सब घटनाएं हुई। वो गया जंगल में, वो जंगल भी देखा, फिर गया वो उस जगह चंडालिन भी देखी और वो शहर भी देखा, बच्चे भी देखे, फिर उसको तसल्ली नहीं हुई। फिर उस राज्य में पहुंचा, लोगों से पूछा क्या यहाँ के राजा ने आत्महत्या की थी? लोगों ने कहा हाँ हाँ आत्महत्या की थी। बोला अच्छा आत्महत्या की थी, कौन था? बोला वो चंडाल था। बोला अच्छा कहाँ आत्महत्या की? बोला देखो वो उसने वो कमरा देखा, महल देखा। कहा भगवान ये कैसा आश्चर्य है, ये तो एक ही पल हुआ था, मैंने पानी में डुबकी लगाई सिर्फ एक पल था, प्रैक्टिकल तो ये इतना समय गुजर गया, यथार्थ में ये क्या हुआ? वो मेरे बच्चे भी हुए ये सही है, चंडालिन भी सही है, उनको भी देख के आया, ये मात्र एक ही तो पल हुआ। बोला हे विप्र ये मेरी छोटी माया है। इस तरह से ये परम सिद्धियों में ये चीजें आ जाती है। इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं ये ब्रह्मांड के, इसलिए सिद्ध पुरुषों में परम सिद्धों में ऐसी ऐसी शक्तियां रही है। जो कुछ आप अभी देख रहे हैं यथार्थ में एक स्वप्न है। नानक देव जी ने इसलिए अपनी वाणी में कहा जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछ साचो नहीं नानक साची मान। पर आपको ये संभ्रांति आप नहीं हो पाएगी, आप पर ये चीजें अभी नहीं लग नहीं पाएगी, क्योंकि आपका चित्त अब भ्रमित नहीं होने वाला। साहब ने अपने एक शब्द में इसकी पुष्टि की, सतगुरु शब्द सहाई निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाई। कह रहे हैं जब नाम की प्राप्ति होती है तो रोग आदि भी भग जाते हैं, सकल रोग की औखित नाम, असाध्य रोगों का भी उपचार हो जाता है, पाप ताप कट जाई। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभी जार के छार करे, जैसे चिनकी आग की पड़ी पुरानी घास। आगे कह रहे हैं अठवन पठवन दृष्टि न लागे, काला इलम, चार चीजें उसमें होती है, मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन आदि, ये शक्तियां नहीं लगेगी, वशीकरण आदि नहीं लगेगी। वशीकृत किया तो आदमी घूमने लगता है उसी के पीछे, उच्चाट किया तो उच्चाटन हो जाता है। उच्चाटन क्या है आइए थोड़ा इस पर बात करते हैं। ये मनकापुर की बात है, मनकापुर के पास में एक दिन मेरे गुरुदेव एक सन्यासी के आश्रम पर संध्या को पहुंचे, तो
वो महात्मा जो सन्यासी था, रात के टाइम किसी को भी आश्रम में नहीं रहने देता था, पर किसी को बोलता नहीं था कि जाओ। वो उच्चाटन करता था, आदमी का हृदय उचट जाता था, खुद ही कहता था मुझे अभी जाना है, वहां रुकता ही नहीं था। कभी कभी आप देखते ना, कोई कहता है लड़के का किसी काम में मन नहीं लगता, शायद किसी ने कुछ कर दिया, ये उच्चाटन से दी, बोला इसका मन उच्चाट है। नहीं, वो उस आश्रम में वो रात को किसी को टिकने नहीं देते थे, महात्मा जी सन्यासी। गुरुदेव जब बैठे, उच्चाटन जैसे उन्हें छोड़ा, गुरुदेव ने पकड़ लिया। गुरुदेव अपने कमरे से बाहर आए, सन्यासी को बोला, महाराज सुनो, मैंने ये एक रात तो यहाँ रुकनी है आपके आश्रम में, क्योंकि साधुओं के, सन्यासियों के जो आश्रम होते हैं उसमें कोई भी साधु सन्यासी जाकर रुके वर्जित नहीं होता है। बोला किसी गृहस्थ के आश्रम में अभी मैं जाऊँगा नहीं, घर में रात में रुकूंगा, चाहे आप कितना भी उच्चाटन करना, रात को मैंने रुकना है, सुबह सूर्य उगने के साथ मैं यहाँ से चला जाऊँगा, चाहे तुम कितना भी वशीकरण करना, मैं नहीं रुकूंगा। उसके बाद गुरुदेव ने उसके उच्चाटन को खंडित किया, तोड़ दिया, रात भर रुके। जब सुबह आश्रम से गुरुदेव निकलने लगे तो बाहर गांव के लोग फूलों की माला लेकर खड़े थे, गुरुदेव के गले में पहनाई, पांव छुए, प्रणाम किया, बोला हे महापुरुष, हम 40 साल से देख रहे हैं इस सन्यासी के पास रात को कोई भी महात्मा नहीं टिक सका है, ये उच्चाटन करके सबको भगाता, आप पहले हैं जो आप यहां रुक गए। अर्थात ये सब चीजें होती हैं। साहेब वाणी में कह रहे हैं, मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर मन ही मन पछताई, आपको नहीं लगेगा, भूत पिशाच है सब न्यारा, ध्यान देना, क्योंकि इन सब का हमला कहां है, तार्किक भाव से ये बता रहा हूं, ध्यान पर, श्रुति पर, श्रुति प्रजन हो गई, उनका ये हमला नहीं लगता है, ये हमला नहीं लगता है, फिर आपकी श्रुति पर असर नहीं डाल पाते हैं, आपके ब्रेन को डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। अठमन पठ और नवग्रह का बस नहीं चलेगी, उसके बाद आप पर ग्रहों का बस भी नहीं चलेगा। भूत पिशाच होए सब न्यारा, भूत प्रेत डायन आदि ये नजदीक नहीं आ पाएंगे, प्रिजर्व हो गए आप। और यमदूत भी यमतास निकट न जाए, भगवान यम भी नजदीक नहीं आ पाएगा, ऐसा वेल प्रिजर्व कर दिया। आगे कह रहे हैं, मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर मन ही मन पछताई, जादू जंत्र युक्त न लागे नाम के बाण दहाई, जादू जंत्र जंतर आदि आप पर नहीं चलेंगे। कहे कबीर काटो यम फंदा सुकृत लाख दुहाई, सदगुरु शब्द सहाई निकट गए तन रोग न व्यापे पाप ताप मिट जाए, यानी ऐसा प्रिजर्व कर दिया। तो ये सिद्धियां, बाकी चीजें नाम की प्राप्ति के बाद आप पर नहीं चलेंगे। नाम गुरु काले सतसंगी जीते सारी उमरिया, नाम के रंग में रंग लेते हैं सतरंगी ये चुनरिया, बाधा उनके पास न आए जग माया उन्हें फांस न पाए, सुमिरत बीते उमरिया, नाम गुरु का तुले मन रंगी।